खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के चुनावी रण में सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला है। सीएम हरीश रावत धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। हरीश रावत आज नैनीताल में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार सरिता आर्य के लिए प्रचार करेंगे। सीएम रावत आज कोटद्वार में भी जनसभा करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए देहरादून से हमारे साथ मयंक राय जुड़ गए हैं। मयंक, यूपी में ये कहे कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पूरा दम भर दिया है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उत्तराखंड में बात की जाए तो कांग्रेस की या राहुल गांधी की एक तरह से कही जाए कोई रैली नहीं है, कोई जनसभा नहीं हुई है, ना ही हरीश रावत के अलावा कोई स्टार प्रचारक दूसरा है। ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बागडोर उत्तराखंड में कांग्रेस की हरीश रावत के हाथ में ही है। देखिए स्वाति, कल जब मनीष तिवारी यहाँ पे थे, उनसे सवाल हमने किया था, तो उन्होंने कहा था कि हरीश रावत राज्य का सबसे बड़ा चेहरा है और वो अकेले पर्याप्त हैं भाजपा के तमाम दिग्गजों को जवाब देने के लिए। उन्होंने 2016 का जो वाक्या था वो भी दोहराया और बताया कैसे हरदा इन सारी बाधाओं से पार करके आगे निकले थे। दूसरी बात स्वाति, जानकारी देना चाहूँगा आपको, कल राहुल गांधी सोमेश्वर और सितारगंज, जो ये दो सीटें हैं यहाँ पे भाजपा के, जो बागी जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं लोग, उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, तो कल राहुल गांधी की वहां पे दो जनसभाएं हैं। इसके अलावा 13 तारीख को 5 घंटे का जो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, उस दिन 5 घंटे का रोड शो होगा। आज देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में आज रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के एक बड़े नेता होंगे, कमलनाथ हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं उनकी पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी वो भी आज देहरादून में रहेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि आखिर के जो 5 दिन बचे हैं उसमें कांग्रेस ने अपनी जो एनर्जी बचा के रखी थी वो उसको झोंकना चाह रही है और उनके तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनके कार्यक्रम अब तय हो रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे कांग्रेस के लिए परेशानी की बात यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक सोनिया गांधी का कोई कार्यक्रम कांग्रेसी नेता तय नहीं कर पाए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लाने की कोशिशें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 या 13 में वे भी यहाँ पे एक जनसभा करेंगे। तो कांग्रेस के सामने फिलहाल जो चेहरा है, जिस चेहरे के दम पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वो केवल हरीश रावत है। ये कहा जा सकता है कि उनके जो सीनियर लीडर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं पार्टी के जो तमाम कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको पुशबैक देने का काम करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया जाए। और यही वजह है कि आप जो देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें केवल हरीश रावत को आगे रखा जा रहा है। निश्चित तौर पर बागडोर स्वाति फिलहाल हरीश रावत के कंधों पर ही है चुनाव की, लेकिन उनके जो सीनियर लीडर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे स्वाति। तो कहीं ना कहीं जो पूरी बागडोर है हरीश रावत के हाथ में है, तभी तो कभी सोशल मीडिया पर वो राउडी राठौर बन रहे हैं तो कभी बाहुबली। मयंक, बने रहिए, आपसे और अपडेट्स लेंगे।